सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा एक है, परंतु उसके रूप अनेक है। भगवान शिव की शक्ति अपरंपार है, वह सदा ही कल्याण करते हैं। वह विभिन्न रूपों में संसार का संचालन करते हैं। सच्चिदानंद शिव एक है, वे गुणातीत और गुणमय एक और जहां ब्रह्म रूप में वह सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, वही विष्णु रूप में सृष्टि का पालन करते हैं तथा शिव रूप में वह सृष्टि का संहार भी करते हैं। भक्तजन अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान शिव की उपासना करते हुए शिवलिंग का पूजन करते हैं। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन आ रहा है। सावन में सभी व्रतधारी सोमवार का व्रत धारण करते हैं। आइए हम जानते हैं इस व्रत को हम कैसे शुरू करेंगे। प्रत्येक सोमवार को मंदिर जाकर शिव परिवार की धूप, दीप, नवेद, फल और फूलों आदि से पूजा करके सारा दिन उपवास करें। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर उनका दूध से अभिषेक करें। शाम को मीठे से भोजन करें। अगले दिन भगवान शिव के पूजन के पश्चात यथाशक्ति दान आदि देकर ही व्रत का पारण करें। अपने किए गए संकल्प के अनुसार व्रत करके उनका विधिवत उद्यापन किया जाना चाहिए। जो लोग सच्चे भाव एवं नियम से भगवान की पूजा स्तुति करते हैं, वह मन वांछित फल प्राप्त करते हैं। इन व्रतों में सफ़ेद वस्त्र धारण करके सफ़ेद चंदन का तिलक लगाकर ही पूजन करना चाहिए तथा सफ़ेद वस्तुओं के दान को ही सर्वाधिक महिमा है। आइए हम जानते हैं दान करने वाली वस्तुओं में कौन कौन सी सफ़ेद चीज़ें हैं। आप दान करने वाली वस्तुएं में ले सकते हैं जैसे बर्फी, सफ़ेद चंदन, चावल, चांदी, मिश्री, गाय का घी, दूध, दही, खीर। सफ़ेद पुष्पों का दान सायंकाल में करने से मनोकामना पूर्ण होती है, वहीं घर में खुशहाली भी आती है। चलिए आगे हम जानते हैं कि इस सोमवारी का व्रत में हमें क्या क्या खाना चाहिए। खीर, पूरी, दूध, दही, चावल। व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। इस व्रत में हम किस मंत्र का जाप करें, आइए हम जानते हैं। ओम नमः शिवाय के अतिरिक्त चंद्र बीज मंत्र ओम शाम शीं शोम शह चंद्रशे नमः और चंद्रमूल मंत्र ओम चं चंद्रमशे नमः हमें इस मंत्र का जाप करते हुए पूजन करना चाहिए। इस व्रत को करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, आइए हम जानते हैं। मानसिक सुख एवं शांति का प्रसार होगा, व्यापार में वृद्धि होगी और भगवान शिव की कृपा से परिवार में खुशहाली आएगी। जिस पर कामने में व्रत किया जाएगा वह अवश्य पूरी होगी। आज की यह वीडियो इतनी थी। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगे, सहायक लगे, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।